आजमगढ़ जनपद के बूर्णपुर तहसील क्षेत्र के अत्रै गांव निवासी दिनेश मौर्य पुत्र स्वर्गीय राम अवध मौर्य ने क्षेत्राधिकार को ज्ञापन सौंपा, साथ ही न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित का आरोप है कि मेरी खुद की बेटी और दामाद ने मुझे पहले बहला फुसलाकर मुझे मेरी पुश्तैनी जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा दी, रजिस्ट्री का सारा पैसा हड़प लिया और अब मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है और अपने घर से भी भगा दिया। बता दे कि पीड़ित दिनेश मौर्य अचौलिया थाने के अत्रै गांव का रहने वाला है। प्रार्थी की पत्नी की मृत्यु होने के पश्चात उसकी बेटी और दामाद ने उसे आश्रय देने एवं परवरिश करने का आश्वासन दिया। पीड़ित ने बताया कि मेरे दामाद द्वारा मुझे बहला फुसलाकर मेरी पुश्तैनी जमीन पहले बेचवा दी, जमीन का सारा पैसा खुद अपने बैंक अकाउंट में डलवा लिया। मेरे पास इस समय एक भी रुपए नहीं है। जब तक मैं जमीन की रजिस्ट्री नहीं किया था तब तक लोगों ने मेरी खूब सेवा की। मैं विकलांग व्यक्ति हूँ साहब, न्याय के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ। पीड़ित ने बताया कि 30 लाख रुपया मेरे दामाद द्वारा ले लिया गया, 12 लाख अकाउंट में लिया गया। जब संपूर्ण पैसा ले लिए उसके बाद मुझे मारकर घर से भगा दिया, भीख मांगकर किसी तरह से अपना गुजारा कर रहा हूँ। इस संबंध में क्षेत्राधिकार किरण पाल ने बताया कि पीड़ित द्वारा तहरीर मिल चुकी है, तहरीर के आधार पर जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिनेश कुमार मौर्य, अतरेट बाजार, जिला आजमगढ़, थाना अतरौलिया। हम विकलांग आदमी है, हमारे दामाद ने हमारा कृष्ण मोहन मौर्य हैदराबाद की, हमारा उसने खेत बेचवा कर हमने मतलब परवरिश के लिए कहा और जब सब पैसा ले लिया तो हमें मार कर भगा दिया। 30 लाख में बेचे थे और जिसमें हम उसको 12.5 लाख रुपया का हमारे पास सबूत था उसको देने का, बैंक से ट्रांसफर किए थे। जान से मारने की धमकी दे रहा है, सब उसी तरह से मांग खा रहे हैं। आपको पहले पता नहीं था कि अगर बुढ़ापे का सहारा क्या होगा हमारा? सर वो बेटी दामाद से हमें विश्वास था कि वो हमारा मतलब देख लीजिए सुनेंगे, देखे नहीं था। नहीं क्या चाहते हैं आप? हमारा पैसा वापस कर दें बस। एप्लीकेशन दिए किसी से? हाँ, थाने पर नहीं आता दिवस पूछ दिए।